सो गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं नोएडा, मेरी वहाँ पे कोई है मतलब रिलेटिव्स, और मेरी मामी भी आ रही है वहीं पे, तो वहाँ पे जा रहे हैं मम्मी पापा और मैं। और बाहर ठंड हो रही है इसलिए मैंने जैकेट वैकेट डाल लिए, तो पीछे मम्मी है और पापा बाहर हैं। सो गाइस पापा यहाँ पे हैं और मम्मी ये रही, तो अब जा रहे हैं, हम जूते पहन रही हूँ मम्मी। सो गाइस अब हम रिक्शे में बैठ चुके हैं, मेरी मम्मी और पापा हैं और छत चल चुका है। मेट्रो का तो पता चलेगा कौन सा साइड जाना है मेट्रो में। फिर हम मेट्रो के पास आ गए हैं, अब नीचे जाना है, फिर थोड़ा चलना है, उसके बाद मेट्रो लेके फिर हमें जाना है नोएडा, तो चलते हैं। पापा आगे जा रहे हैं, ये रही मम्मी, चलते हैं। क्या कह रहे हो? तो मौसम है अभी तो मौसम में यहाँ जा रहे हैं। अच्छा जिनके पास जा रहे हैं वो भी हमारी मौसी हैं, मतलब मेरी मौसी लगती हैं, तो वहाँ पे मेरे भैया और मेरी मामी भी आ रही हैं। आ रही है मम्मी भी, भैया जी पापा टिकट कर रहे हैं, इधर आ जाओ, ले रहे हैं वो टिकट। सो गाइस अब हम नीचे आ चुके हैं और मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते कब तक आती है और फिर चलेंगे। मुझे भी बैठना है, सुबह के साथ बैठ रहा हूँ और पापा आगे बैठे हैं। बाकी अभी थोड़ी देर में चेंज करनी है ना, अभी है पापा चेंज करनी है, तो अभी हमें चेंज भी करनी है, तो देखते हैं फिर कौन सी स्टेशन पर जाना है, उसका चेंज करनी है। बस वहाँ पर आ गए हैं, अब हमें चेंज करनी है। Interchange here for the blue line. Doors will open on the left. Please find the gap. Thank you for traveling with Delhi Metro. चेंज करनी है हमें मेट्रो, तो चलते हैं चेंज करके फिर आगे जाएगी, क्योंकि नजफ़गढ़ और यहाँ से चेंज करनी पड़ती है। सुबह जब हम पहुँच गए हैं दूसरे द्वारका वाले मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ पे आएगी अब मेट्रो, उसमें जाना है नोएडा, देखते कितना टाइम लगेगा, अभी तो लगेगा बहुत टाइम लगेगा। तो वहाँ पर मामी तो हमारी पहुँच चुकी है वहाँ पर, खैर हम ही लेट हो गया, सुबह निकलने में ही लेट हो गया था, तो पता नहीं कब तक पहुँचेंगे अब। सो गाइस अब हमने नोएडा वाली में बैठ चुके हैं मेट्रो में, और पापा हैं इधर, इधर मम्मी हैं, तो अभी टाइम लगेगा, कितना लगेगा, तो अभी एक डेढ़ घंटा लगेगा, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। एक तो बज चुका है, पहुँचेंगे 2 बजे कुछ, 2-3 बजे टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी हमें आधा घंटा और लगेगा, अभी 2 बज चुके हैं, 2:30 बज जाएंगे कम से कम पहुँचते, तो बहुत तंग है। खैर बाहर देखो कितना पोल्यूशन सा हो रहा है, वैसे भी दिल्ली में पोल्यूशन ही है सबसे ज़्यादा, मतलब इतना कोहरा नहीं होता, इतना ज़्यादा पोल्यूशन से ही अंधेरा रहता है, पता नहीं पोल्यूशन कब ख़त्म होगा। खैर पापा ये रहे, मम्मी ये रही, और मम्मी वो मेट्रो में ट्रैवल नहीं करती हैं, इस वजह से मम्मी को थोड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही है, और पीछे जंगल है खैर उधर, पीछे वो पीछे देखो पूरा जंगल है पीछे।
सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 34 पे हैं। अभी हमें लास्ट स्टेशन पर उतरना है, बिल्कुल लास्ट पे। तो अभी रह गए हैं 3-4 बस, अभी उतर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 2:30 बज गया, पहुँचने वाले हैं बस। चलो बहुत लेट हो गया, 2 बजे से पहले पहुँचना था, बहुत टाइम हो गया। हम पहुंच गए सेक्टर 59 पे। अब एक स्टेशन, उसके बाद फिर हमें उतरना उसके अगले वाले पे, तो दिखाता हूँ आपको भी। सो गाइस आप देख सकते हो अभी जो ग्रीन वाली है वो हमें, और जो रेड वाली लाइट है जो ऑन ऑफ हो रही है उधर हमें पहुंचना है। तो बीच में एक स्टेशन रहता है बस, फिर हम पहुंच जाएंगे। सो गाइस अब बस एक स्टेशन आखिरी वाले पे ही हैं बस, पहुंचने वाले जो अगला वाला है उस पे ही हमें उतरना है। फिर उसके बाद रिक्शा लेना है, फिर उसके बाद जो जहाँ पे हमें जाना है मतलब मौसी के घर, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। मम्मी, मामी की बहन है, मामी की बहन है मेरी मौसी कैसे। सो गाइस हमारा स्टेशन आ चुका है, उतरने वाले हैं बस, आगे उतरना है। मम्मी ये तबीयत ही ठीक खराब हो गई है बाबा, मम्मी की तबीयत ही खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। खाली हो गई पूरी, थोड़ी बहुत रह रही है, सारे उतर जाएंगे इसमें। बंदा सफाई का तैयार है साफ करने के लिए। ओ बच्चे आ गया भी मेरे, खाली है ना मेट्रो, इसलिए स्टेशन आगे नहीं जाएगी। कितना करते हैं यहीं करेंगे। हेलो मम्मी, मम्मी को ये छोड़ देना, नहीं घूमते रहेंगे नोएडा अकेले ही, नोएडा घूमते रहेंगे उनका शाम तक आ जाएगा। सो गाइस हमारा आगे स्टेशन, आखिरी स्टेशन का, चलो वापस बैठ जा रहे चले। ठंड लग रही है, लग रही है बैठो, मम्मी कह रही बैठो। सो गाइस हम सब के अब हम नीचे जा रहे हैं, अब नीचे जा के रिक्शा पकड़ना है ना, नीचे से रिक्शा पकड़ना है अभी, नीचे से रिक्शा। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं, अब हमें नीचे चलना है, तो चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, ठंड हो रही है बाहर तो निकलती, चलो चलते हैं। सो चलो अब नीचे क्यों, फर्स्ट टाइम आया हूँ नोएडा, और मम्मी मैं और पापा ही आए हैं बस, बाकी कोई नहीं आया। चलते हैं फिर, थक गया यार बहुत, दादा भी नहीं थक गया। हम आ गए बाहर, अब रिक्शा पकड़ना चाहे पापा, पापा रिक्शा लेना है यहाँ से, अब रिक्शा लेना है यहाँ से, चलो चलें। सो गाइस अब हम रिक्शे से उतर चुके हैं, ये रहे मेरे पापा मम्मी भी हैं, देखते हैं फिर कितना टाइम लगेगा। ठंडा ठंडा हो रहा है इधर, ये रहे मम्मी पापा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं, और मामी और हमारी मामी और मौसी रह चुके हैं, दिखाता हूँ आपको, मामी और मौसी और पापा मम्मी भी हैं, चलो चलते हैं फिर। Let's go.
गाइस अब हम वापस घर जा रहे हैं, मतलब मौसी के घर गए थे वहाँ पे, वो पहली बार गया था तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ब्लॉग कुछ किया नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या दिखा था, परमिशन मांगता, फिर अजीब सा लगता उनको भी थोड़ा, तो अभी वैसे भी हम पहली बार ही गया था, अब अगली बार कभी जाएंगे तब वहाँ पे अच्छे से ब्लॉग करेंगे। फिलहाल तो अभी घर जा रहे हैं, मम्मी ये रही, पापा भी हैं इधर, तो चलते हैं घर पर। अभी जनकपुरी वाली मेट्रो में बैठे हैं, फिर वहाँ से दोबारा बदल लिया ना, फिर वहाँ से भी बदलने हैं, फिर उसके बाद दूसरी लेके, फिर मतलब बहुत टाइम लगेगा, अभी 8 बज जाएंगे घर जाते हैं, तो 5 बज रहे हैं वैसे भी, देखते हैं फिर कब तक पहुँचना। सुबह जिम्मे सुबह से चलते चलते अब रात होने वाली है, अभी शाम हो चुकी है, बज रहे हैं 5:30 कुछ, और बाहर अंधेरा होने लग गया है, दिखाता हूँ आपको, देखो वहाँ पीछे अंधेरा होने लग गया बाहर, तो क्यों यहाँ पे चीली खेलती, तो बाहर तो अंधेरा होना चालू हो गया, जब पूरा अंधेरा हो जाएगा हम तभी तक पहुंच पाएंगे घर पे। अभी तो बदलनी भी है मेट्रो, फिर उसके बाद नजफगढ़ तक की लेंगे, फिर वहां से अपना वो रिक्शा पकड़ के जाएंगे, तो टाइम लगने वाला है, अभी भूख भी लग रही है, सुबह खा के निकले थे, अभी तक भूखे हैं, देखते हैं फिर कब तक पहुँचेगी। सो गाइस हमने चेंज कर लिया मेट्रो, दूसरी वाली में बैठ गए, अब सीधे द्वारका नजफगढ़ जाएंगे ना, सीधा अब सीधा नजफगढ़ जाएंगे द्वारका, हाँ फिर वहाँ से चेंज कर लिया, अब द्वारका जाएंगे फिर वहाँ से चेंज कर लिया नजफगढ़ की, देखते हैं। सो गाइस अब हम दूसरी मेट्रो पे जा रहे हैं, मतलब द्वारका मोड पे आ गए हैं, अब हम चेंज करके नजफगढ़ की ले रहे हैं, तो चलते हैं नीचे, ऊपर तो शोर हो रहा है बहुत, चलते हैं फिर चेंज करते हैं अपनी मेट्रो, कह रहे मम्मी मेरी और पापा आगे चल रहे हैं, चलो जल्दी चलें फिर। सुबह सुबह हमने चेंज कर लिया, अब हम बैठ चुके हैं नजफगढ़ वाले में, मेरे पापा ये मम्मी, इतने कब तक पहुँचेंगे, बाहर तो पूरा अंधेरा हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, पहुँच जाएंगे 7 बजे तक घर पे, थक गया बहुत ज़्यादा। सुबह सब हम उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं नीचे, नीचे ला के रिक्शा लेना है और फिर सीधा घर, है ना, बहुत ज़्यादा थक गया, कमर दर्द होगी, सुबह से बैठी हूँ मैं, क्या चलो चले नीचे फिर आगे ना। बहुत ज़्यादा थक गया, आप नहीं थके, थके नहीं, देखते हैं पापा मम्मी से पहले मैं पहुंचता हूँ कि नहीं, इतने नीचे हैं वहाँ अच्छे, मैं पहुंचूंगा पहले, लेट्स गो, हमें तो सीढ़ी देनी चाहिए एलिवेटर पे, पैर चलते ना सीढ़ी पे, सीढ़ी सही रहती है, कब देखना। अब आएंगे यहाँ से, देखा आपसे पहले पहुंच गया, सुबह से सीढ़ी से ही तो जा रहा हूँ, मेरा कार्ड, चलो क्या मेट्रो कार्ड मेरे पास भी है मेरा, लगाए नहीं अभी, क्या आपका लगा हुआ था, मुझे बारी आती तब आना चाहिए, ये नहीं खुला है तो घुस जाओ, अरे तो कार्ड लगाया ऐसे ऐसे होता है, मतलब लगा दिया 6 रुपये रह गए थे ब्लू वाले में, तो है इसमें कितने रह गए देखे नहीं, दोनों अलग अलग हैं, कल फिर 100 रुपये डलवाने पड़ेंगे, तुम लोगों को जाना है तो घुमा ही लाऊंगा, कल भी चलेंगे कहीं घूमने, कल न्यू ईयर है, आज 31 दिसंबर था, उधार लेने पड़ेंगे पैसे, थक गया। पकौड़े क्या थे मामते खाने को, अरे इंडिया गेट पर तो जाते हैं घूमने, अरे मैट्री बंद कर दी गाड़ी, अरे चलो सीढ़ी से, सुबह से एक्सीलेटर पे चले जा रहे हो, मैं पहुंचूंगा पहले,
बहुत सारा थक गया, सुबह से चले ही जा रहे हैं। अब मैंने तो एक्सीलेटर यूज़ एक दो बार की होगी, बाकी मैं तो स्टेयर्स ही यूज़ कर रहा था। चलो थक गया, सांस पूरी थी, वहाँ पकड़े आते रेस लगाते रहते, चलते हैं फिर रिक्शा लेते हैं। अरे थक गया, हाँ गाइस पहुंच चुके हैं अब हम रिक्शे में। ये केले भी ले लिए घर के लिए, अब चलते हैं सीधा घर पे, मिलते हैं। है ना, सब जगह तो ऐसे ही होता है, थक गया बहुत ज़्यादा। हम आ गए पीछे बनी कैंप पे, मेरी मम्मी, ये रहा बनी कैंप पीछे, तो चलते हैं घर। यार ये रे पापा थक गया, रिक्शे में तो हवा लगी बहुत ज़्यादा, तो भाई घर पे आके आराम करेंगे, देखते हैं। कल भी चलेंगे कहीं घूमने, तो वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊंगा, तो अभी देखना, चलते हैं। खैर अब घर पे ही। सो गाइस घर में आ चुके हैं, घर के अंदर, और देखो पीछे पापा निकले बात हमसे। सो गाइस घर पे पहुँच चुके हैं, तो इस ब्लॉग को रखता हूँ मैं यहीं तक। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी और एक नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पापा बाहर हैं वहाँ पे, हटो चलो हटो। ये देखो ये आरसू, झूठ पर्दा तूने झूठ।